नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। 8 राज्यों में 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है और बाकी राज्य भी अलग अलग तरीके से विचार कर रहे हैं। 12वीं के स्टूडेंट भी कंफ्यूजन में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं जिनकी अभी परीक्षाएं रद्द हो गई है, इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो ऑथेंटिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, जिन बोर्ड्स ने परीक्षा अभी रद्द की है 10वीं की, उसमें सबसे बड़ा नाम है सीबीएसई। सीबीएसई ने 10वीं परीक्षा रद्द कर दी है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य स्टेट्स हैं जिनमें छत्तीसगढ़ ने अपनी परीक्षा रद्द करने के बाद रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए हैं। सीबीएसई का रिजल्ट है वो 1 जुलाई को घोषित हो जाएगा। उनके स्टूडेंट्स ने 11वीं का अध्ययन शुरू कर दिया है। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो जिन राज्यों ने 100% स्टूडेंट्स को पास कर दिए, प्रमोट कर दिए, उनमें प्रमुख है पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा। इनमें 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को लेकर विचार कर रहा है और बाकी स्टेट्स के बोर्ड भी 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सेंट्रल बोर्ड की ओर देख रहे हैं। अभी सेंट्रल बोर्ड ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं कि उनके ऊपर क्या निर्णय लिया जाए। इसके बाद मैं करना चाहूँगा देश के सबसे बड़े बोर्ड की बात, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। वहाँ भी उनके शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए छात्रों को प्रमोट करने पर सरकार विचार कर रही है। 29 लाख से अधिक स्टूडेंट वहाँ बैठे हैं तो शायद उनको भी प्रमोट किया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए कि हमारे लिए सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद हम परीक्षाओं पर विचार करेंगे। फिलहाल 6 तारीख तक के लिए परीक्षाएं स्थगित है। उसके बाद सीबीएसई को देखते हुए सीबीएसई जो भी निर्णय करेगी 12वीं परीक्षाओं को लेकर, शायद राजस्थान सरकार भी वही निर्णय करे। अभी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि एक बार तैयारी करते रहें। 12वीं की परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। 10वीं के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ दिन और इंतजार करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर चैनल आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद।